कि रिश्ते हमको यदि अच्छे करने हैं, रिश्ते अच्छे करने हैं, और यदि क्यों हमको रिश्ते अच्छे करने ही हैं, तो उसमें कोई दुमत नहीं है, कोई डबल माइंड है नहीं कि तो रिश्ते अच्छे करने की नहीं करने हैं। तो हमको रिश्ते अच्छे करने हैं तो अच्छे रिश्तों के लिए हमको कम्युनिकेशन अच्छा करना पड़े, हमारा संवाद अच्छा करना पड़े। हमको यदि हमारी लीडरशिप बताना है, और लीडरशिप फ्रॉम इमर्जिंग फ्यूचर हमको करने का है, लीडरशिप फ्रॉम इमर्जिंग फ्यूचर मतलब उभरता हुआ जो भविष्य है, उभरता हुआ भविष्य, वहां से हमको लीडरशिप करना है, अतीत से नहीं भविष्य से लीडरशिप करना है। तो फिर हम क्या करेंगे? यदि हमको भविष्य से लीडरशिप करना है तो उसके बारे में हम देख रहे थे। हम देख रहे थे कि यदि हमारा संवाद अच्छा करना है, हमारी रिलेशनशिप अच्छी करनी है लोगों के साथ में, तो हमने लिसनिंग अच्छा करना चाहिए, लिसनिंग अच्छा करना चाहिए, लोगों को अच्छा सुनना चाहिए। और लोगों को अच्छा सुनने के लिए हमने देखे अभी तक कि अलग अलग चार लेवल्स है, फोर लेवल्स ऑफ लिसनिंग। और फोर लेवल्स ऑफ लिसनिंग कौन से हैं? लेवल वन जो है, लेवल वन, तो लेवल वन का लिसनिंग जो है वो है लिसनिंग फ्रॉम हैबिट्स, और उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग मतलब पूर्वग्रह दूषित। हमको यह मालूम है कि सामने वाला क्या बोलने वाला है, हमको यह मालूम है कि सामने वाला आगे क्या कहने वाला है, हमको सामने वाले के बारे में पहले से कुछ ना कुछ पूर्वग्रह है। सामने वाला जो बोलने वाला है उसके बारे में हमारे दिमाग में गुस्सा है, हमारे दिमाग में नर्वसनेस है, हमको मालूम है उसके बारे में नॉलेज है, उसका पास्ट हमको मालूम है, उसका एक्सपीरियंस हमको मालूम है, हम उसके बारे में जज करते हैं ये अच्छा है बुरा है ना। तो ये सब जो है वो हैबिट से लोगों को सुनना, हैबिचुअल वे से लोगों को सुनना, ये है लेवल वन का। और ये पहले हमको मालूम होना चाहिए कि ये हमने हैबिचुअल वे से सुनना बंद करना है, पूर्वग्रह दूषित लोगों को सुनना नहीं है। हमारे जजमेंट से, हमारे पास से, हमारे अतीत से हमको मालूम है कि वो क्या बोलने वाला, वहां से हमको लोगों को सुनना नहीं है। लोगों को डाउनलोडिंग से, उसको बोलते हैं हम डाउन लोडिंग मतलब लिसनिंग फ्रॉम हैबिट्स, पूर्वग्रह दूषित हमको सुनना बंद करना है। तो फिर लेवल टू आती है। लेवल टू क्या है? ये पहले लेवल वन बताया मैंने, लेवल टू जो मैं बता रहा हूँ वो लेवल टू क्या है? वो लेवल टू है लिसनिंग फ्रॉम ओपन हार्ट, खुले दिल से, हृदय से, खुले दिल से लोगों को सुनना है। खुले दिल से लोगों को सुनना है इसका मतलब यह है कि एम्पथी से लोगों को सुनना है, सहसंवेदना से लोगों को सुनना है। उसको जैसा लग रहा है वैसे ही मेरे को लग रहा है, उसको जैसा लग रहा है वैसे एग्जैक्टली मुझे लग रहा है, और उसका हार्ट और मेरा हार्ट कनेक्टेड है, वहां से हमने लोगों को सुनना है। उसका उसका दिल और मेरा मेरा दिल कनेक्टेड है, वहां से लोगों को सुनना है, उसको बोलते हैं ओपन हार्ट, हार्ट टू हार्ट टॉक। हम बोलते हैं ना कि हार्ट टू हार्ट टॉक से लोगों को सुनना है, दिल से दिल मिला के लोगों को सुनना है, उसको बोलते हैं ओपन हार्ट। लेवल टू का लिसनिंग है, और ये हम करते नहीं है। हम लोगों को लेवल वन से सुनते रहते हैं। वो लेवल वन से सुनते कैसा है? हैबिट से, जजमेंट से, ओपिनियन से, बस हमको मालूम है क्या बोलने वाला है, वहीं से हम लोगों को सुनते हैं। तो वो बंद करके, हैबिचुअल वे से बंद करके लोगों को ओपन हार्ट से सुनना है। तो हमने लेवल वन का देखा डाउनलोडिंग, और लेवल टू का देखा हमने ओपन हार्ट, वहां से लोगों को सुनना है। ये दो हो गए लेवल। अभी तीसरा लेवल है। तीसरा लेवल जो है वो है लिसनिंग फ्रॉम ओपन माइंड। ओपन माइंड मतलब क्या होता है? ओपन माइंड, लिसनिंग फ्रॉम ओपन माइंड मतलब मैंने पिछले बार ऐसा बताया कि आप कमरे में बैठे हैं, कमरे में चारों ओर कर्टन लगा हुआ है, कर्टन है चारों ओर, लाइट लगाए लगाए हुए है, चारों ओर से कर्टन है, और आप बैठे हुए हैं। अभी जब आप अंदर बैठे हैं तो आपको मालूम ही नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, आपको मालूम नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या सीनरी आपको मालूम ही नहीं है। और आप अपने चेयर से उठते हो, और उठते हुए आप जाते हो दीवार के पास में, खिड़की के पास में,
वहां का कर्टन आप बाजू में करते हैं और बाहर देखते हैं एकदम न्यू, नया सीन है, नया नजरा, मतलब नया नजारा है, एकदम नए सिरे से आप देख रहे हैं। अरे ओपन माइंड, मतलब पुल द कर्टन, मतलब सामने वाला, आपके सामने कोई खड़ा है और समझ लो कि हमने कर्टन बाजू किया और सामने वाले को फ्रेश आईज से देखा, एकदम फ्रेश ताजे नजर से सामने वाले को देखा। और इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट है, डिसकन्फर्मिंग द न्यू डेटा, मतलब जो डेटा आ रहा है उसको डिसकन्फर्म करना, नहीं ये सही नहीं, नहीं ये सही नहीं है, ये नहीं सही नहीं है, और क्या है, क्या नया है, क्या नया है, जो भी बता रहा है उसमें क्या नया है वो देखना है। ओपन हार्ट, ओपन माइंड, ओपन माइंड मतलब कर्टन बाजू करके नया क्या मुझे दिख रहा है, क्या नई फैक्ट मुझे दिख रही है, क्या नया डाटा मुझे मिल रहा है, क्या नया इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है, वो हम देखते हैं, उसको बोलते हैं लिसनिंग फ्रॉम ओपन माइंड। आप अपने आप से पूछो, क्या हम लोगों को ऐसा सुनते हैं? हम तो लोगों को सुनते हैं बस पूर्वग्रह दूषित, ये तो ऐसे ही है, ये तो बहुत अकड़ेल है, ये तो गुस्से वाला है, ये तो नकरेल है, ये कंजूस है, इसको तो ये आता नहीं है, ये तो ऐसे ही है, उसके रिश्ते बराबर नहीं है, मतलब हमको पहले से मालूम है वो क्या बोलने वाला है, हम लोगों को सुनते ही नहीं है। मैंने पिछले बार एग्जाम्पल दिया है कि समझो मेरा कोई, मतलब ऐसा जो पिछले बार एग्जाम्पल दिया था शायद रिपीट होगा, नए लोगों के लिए पहली बार होगा कि भाई मैं लोगों को सुनता ही नहीं हूँ, मैं लोगों को सुनता कैसा हूँ, पूर्वाग्रह दूषित से सुनता हूँ। समझो 7 बजे है, 7 बजकर मुझे 7 एग्जैक्टली हम मतलब 7 बज चुके हैं, और तो भी आ गया बाहर से, उसने टिंग टोंग घंटी बजा दिया, टिंग टोंग घंटी बजा दिया, मैं जस्ट उठा था, मैंने बस आंखें मूंछते मूंछते मतलब मलते मलते बाहर गया, भाई कौन है आया देख, तो भाई कौन है, तो बेल बजा दिया, तो मैं गया और दरवाजा खोला तो वहां 3 लोग खड़े थे, पैजामा शर्ट पहने हुए, सफेद कपड़े पहने हुए, गले में थैली लटकाई हुई है कंधे के ऊपर, और बोल रहे हैं नमस्ते हम, और मेरे मुझे लगा कि हाँ ये तो अपने आजू बाजू के लोग है, बोले हम आपके पास में आए हैं कि अपना एरिया हमको नीट और क्लीन करना है, अपना एरिया अपने को नीट और क्लीन करना है। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जो बोला कि अपना एरिया नीट और क्लीन करना है, वो मैंने हियर किया, हियर मैंने सुना नहीं, मैंने हियर किया, हियरिंग और लिसनिंग में फर्क होता है, मैंने क्या किया, उन्होंने जो बोला वो हियर किया, कान पे आ गया, मैंने हियर किया कि अपना एरिया नीट और क्लीन करना है। एक्चुअली मैंने क्या सुना, एक्चुअली मैंने ये सुना, अरे ये तो चंदा मांगने आए हैं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो बोल रहे हैं वो नहीं सुन रहा हूं, मैं क्या सुन रहा हूं, मेरे दिमाग में अंदर जो चल रहा है वहां से उनको सुन रहा हूं। उन्होंने क्या बोला, हमारा एरिया नीट और क्लीन करना है, मैंने क्या सुना, अरे अभी कितने पैसे मांगते हैं, कितने पैसे मैं कटाऊं इनको, क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब मैं उनको सुन ही नहीं रहा, मैं ऑलरेडी डाउनलोडिंग से सुनता हूं सब लोगों को, मैं डाउनलोडिंग से सुनता हूं, है ना, डाउनलोडिंग सुनता हूं, हम सुनते ही नहीं है, बराबर है कि नहीं। अभी अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में लोगों ने, 2 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, इन्होंने शपथ ग्रहण किया, और उनके ऊपर पवार साहब ने बोला, हाँ देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने नाराज होकर शपथ लिया, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नाराज होकर, अभी पवार साहब को क्या उन्होंने जाके बोला क्या, मैं नाराज होकर शपथ लिया, ये क्या है, डाउनलोडिंग, मतलब पहले से अपना एक ग्रह करके बोल रहा हूँ, वो नाराज थे और नाराज होकर उन्होंने उप मुख्यमंत्री शपथ लिया, और पवार साहब को बोला कि जाके किसने की नहीं नाराज था, ये अपना डाउनलोडिंग है, उनका खुद का डाउनलोडिंग है, ये तो नाराज दिख रहा है, ये नाराज दिख रहा है क्या, मैं जो दिख रहा है वो देखता नहीं हूँ, मेरे आंखों से जो दिखता है मुझे वो दिखता नहीं हूँ, जो सुनता हूँ कानों से वो सुनता नहीं हूँ, दिमाग में जो चल रहा है बस वहां से सुनता हूँ। तो हमने ये देखा कि डाउनलोडिंग नहीं करने का है लोगों, लोगों को ओपन हार्ट से सुनो, ओपन माइंड से सुनो।
और देखो ये जो मैंने बताया लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री और यहां तक हमने कवर किया है कि लोगों को सुनना कैसे है, फ्रेश आइज कर्टन बाजू करके नया इंफॉर्मेशन नई डाटा नया डाटा मिल रहा है, नो हैबिचुअल लिसनिंग पूर्वग्रह दूषित नहीं, एकदम फ्रेश होके सुनना है जैसे पहली बार उसको मिले। तो ये थ्री लेवल्स हमने अभी तक सीखी लोगों को सुनना कैसे, और ये आप सुनना चालू करते हैं लोगों के आपके संबंध ऐसे हो जाएंगे बस पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हरदम हरेक का ये रहता है कि भाई वो मुझे सुनता ही नहीं, वो मुझे समझता ही नहीं है, वो दिल से बात ही नहीं करता है, दिल को दिल मिलता ही नहीं। बच्चे बोलते हैं हमारी माँ सुनती नहीं, बच्चे बोलते हैं हमारे पिताजी सुनते ही नहीं, हस्बैंड बोलता है कि वाइफ सुनती नहीं, वाइफ बोलती है कि हस्बैंड सुनता नहीं, सुनते नहीं लोग। क्यों? क्योंकि लोग अपने दिमाग से सुनते रहते, तो सामने वाला क्या बोल रहा है उसका कुछ भी अर्थ न निकालते हुए, कुछ भी डाउनलोडिंग न करते हुए ओपन हार्ट और ओपन माइंड से सुनना, ये करते तो आपके रिश्ते ऐसे मजबूत हो जाए, राइट। तो इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चार लेवल्स है लिसनिंग की, देयर आर फोर लेवल्स ऑफ लिसनिंग, उसमें से मैंने तीन लेवल अभी तक बताई, लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री, लेवल फोर अभी बताने वाला हूँ। तो लेवल वन में मैंने बताया डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग से हम लोगों को सुनते हैं, और 99% आप ध्यान में रखो और आज से अगले सप्ताह गुरुवार तक ख्याल रखो कि आप कहाँ कहाँ डाउनलोडिंग से ही सुनते हैं, बाकी सुनते ही नहीं, सब डाउनलोडिंग चालू है, सब डाउनलोडिंग, ओपन हार्ट और ओपन माइंड से सुनते नहीं है। सेकंड लेवल है ओपन हार्ट लेवल टू, लेवल थ्री है ओपन माइंड, सुनते ही नहीं हम लोगों को ओपन हार्ट से ओपन माइंड से, ठीक है। ये तीन लेवल हो गई। तो अभी हम जाएंगे, ये जो प्रोग्राम है ओटो शैमर का जो लीडरशिप फ्रॉम इमर्जिंग फ्यूचर का है, उसमें जो मेन है लेवल फोर का वो है ना अत्युच्च लिसनिंग है, और वो लिसनिंग करना मतलब भगवान होना है ऐसा मैं समझता हूँ, तो खुद को भगवान बनाना पड़ेगा, और भगवान यदि है वही लिसनिंग लेवल फोर का कर सकता है। हम तो ऐसे आत्माएं हैं कि हम तो 99% तो डाउनलोडिंग करते लेवल वन पे अटके हुए, तो बोला कि आपको 7 दिन तक आप ये देखो कि डाउनलोडिंग मतलब पूर्वग्रह दूषित लोगों को हम कैसा सुनते हैं, 99% ऐसे सुनते हैं। लेवल टू लेवल थ्री में हम कोशिश करते हैं, देखो करके कोशिश ये हफ्ते में लेवल टू लेवल थ्री का ओपन हार्ट और ओपन माइंड। अभी लेवल फोर जो है वो है जनरेटिव लिसनिंग, जनरेटिव लिसनिंग, और उसको बोलते हैं ओपन विल से सुनो, ओपन विल, लोगों को ओपन विल से सुनना है, और उसको बोलते हैं जनरेटिव लिसनिंग, उसका ही नाम है जनरेटिव लिसनिंग, जनरेटिव लिसनिंग, और उसका ही नाम है लिसनिंग फ्रॉम सोर्स, लिसनिंग फ्रॉम सोर्स, और जनरेटिव लिसनिंग और ओपन विल और लेवल फोर लिसनिंग, है ना। तो ये कैसा है, ये क्या है लिसनिंग, लोगों को सुनना। मैं क्या बोला कि हम अटके हैं लेवल वन पे, ठीक है ना। तो यस विनय जी बोल रहे हैं कि शो इंटरेस्ट, है ना। तो लिसनिंग हम इसमें क्या बोलता है, नंबर एक इसमें क्या क्या कंडीशन है, तो ये भी आपको सुनना है। ये देखो ये हफ्ते में आपको यहाँ से सुनना है, तो जिनके पास में पेन कागज है नोट्स है वो लिख सकते हैं, मोबाइल में लिख सकते हैं, नहीं तो आप दीवाल पे जाके लिख सकते हैं, आपको लिखना है तो जो भी जहां भी जहां जमता है वहां करो और लिखो, ताकि आप रिवाइज कर सकेंगे ये जो मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, नंबर एक इसमें कंडीशन ये है कि यू हैव टू बी टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर ओपिनियंस एंड जजमेंट्स, आपको पूरा आपके जजमेंट और ओपिनियन से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। पहली अटक, नो ओपिनियंस no judgment about anyone, no judgment and no opinions, पूर्वग्रह कुछ भी नहीं है, पहली अट। दूसरी नंबर टू, no identity and no self, मेरी आइडेंटिटी मैं मेरा, मेरे को मान सम्मान दे रहा क्या, मैं उससे बात क्यों करूं, फिर ऐसा वैसा, मतलब अपना जो है डाउनलोडिंग अपने बारे में, चलो उसको भी बाकी करना पड़ेगा, ईगो नहीं चाहिए, नो आइडेंटिटी नो सेल्फ,
कोई आइडेंटिटी नहीं, मैं शून्य हूं, मैं नथिंग हूं, मैं नील हूं, नथिंग, नथिंग से सुनना है, नथिंग। तो देर इज अ शिफ्ट, वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम अवर आइडेंटिटी एंड ईगो एंड अवर सेल्फ, शिफ्ट करना है अपने आप। नो पास्ट, नो ओपिनियंस, नो जजमेंट। फिर करना क्या है इसमें, यह है कि आपको वहां से वो जो सामने वाला बात कर रहा है वहां क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है वहां से सुनना है। व्हाट इज द फ्यूचर विच इज कमिंग अप, व्हाट इज द फ्यूचर विच इज इमर्जिंग, क्या फ्यूचर इमर्ज हो रहा है यहां, ये क्या बात कर रहा है, कौन सी बात कर रहा है सामने वाला, क्या इमर्ज हो रहा है फ्यूचर, कोई भविष्य यहां से निकल रहा है, कोई भविष्य की बात कर रहा है, क्या यहां से भविष्य तैयार हो सकता है, यहां से कुछ भविष्य तैयार हो सकता है। सो लिसनिंग फ्रॉम फ्यूचर दैट इज वांटिंग टू इमर्ज, ऐसा फ्यूचर आप ही आप इमर्ज हो रहा है ये यूनिवर्स में, ये दुनिया में, ये प्लेनेट में फ्यूचर ऐसा इमर्ज हो रहा है, फ्यूचर जन्म घेतो है, फ्यूचर का जन्म हो रहा है, एज इफ फ्यूचर इज इमर्जिंग। जब कोई बात कर रहा है तो और हम सुन रहे हैं तो वहां से क्या फ्यूचर आपको सुनाई आ रहा है, क्या क्या फ्यूचर सुनाई आ रहा है। जैसा मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेस फ्री इंडिया मुझे करना है तो आपको क्या फ्यूचर सुनाई आता है, वहां से सुनना है। मैं जब बोल रहा हूँ है ना रमा दाई, जब मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैं हम इसलिए खड़े हैं कि हमको स्ट्रेस फ्री इंडिया करना है, और नॉट ओनली स्ट्रेस फ्री इंडिया, मुझे 787 करोड़ लोग जो है 7.87 बिलियन ऑन दिस प्लेनेट, ये सब लोगों को स्ट्रेस फ्री करना है, अभी मैं जो बोल रहा हूँ तो आप फ्यूचर से कैसा सुनेंगे, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। हाँ तो फ्यूचर से कैसा सुनेंगे आप इसको। सो वी हैव टू इंक्रीज अवर ग्रुप मेंबर्स सो दैट वी कैन कन्वे इट, दैट इज द ओनली वे, अदरवाइज हाउ वी कैन टेल, हम जो बताएंगे वो सब लोग हमसे जब कनेक्ट होंगे तभी हम बताएंगे ना। सो फर्स्ट थिंग इज टू इंक्रीज अवर ग्रुप। हाँ तो आपको ये सुना ही आया है कि जब मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे 787 करोड़ लोगों को स्ट्रेस फ्री करना है तो आपको ये दिमाग में इमीडिएटली आया फ्यूचर कि अच्छा फिर हमको है ना ये करना है तो हमको ग्रुप्स बढ़ाने पड़ेंगे, लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा, ये आपके। तो आप कहाँ से सुन रहे अभी, फ्यूचर से सुन रहे? मैं मुंबई से। नहीं नहीं सुन कहाँ से रहे, सुन कहाँ से रहे, फ्यूचर से सुन रहे हम सेल्फ, नहीं फ्यूचर से। जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे स्ट्रेस फ्री वर्ल्ड करना है, स्ट्रेस फ्री दुनिया करनी है, तो आप उसको सुनना कैसे है, आपने क्या सुना, अच्छा फिर ये स्ट्रेस फ्री इंडिया करना है तो क्या हमको ग्रुप बनाने पड़ेंगे, ग्रुप बढ़ाने पड़ेंगे, क्या हमको लोगों को जुड़ना पड़ेगा, क्या लोगों को लाना पड़ेगा, तो आपने कहां से सुना, ये फ्यूचर से सुना। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जानबूझ के मैंने एक डायलॉग क्रिएट किया आपको समझने के लिए कि इमर्जिंग फ्यूचर से कैसा सुनना, एक मैंने आपके लिए एग्जांपल दिया। ऐसा सुनते हैं आप लोगों से, पूर्वग्रह दूषित ही नहीं है, नो जजमेंट, नो ओपिनियंस, ऐसा सुनते हैं तो क्या चमत्कार होगा, या आप सोच सकते हैं है ना, बहुत चमत्कार संभव है। यस सर। यस एनीबडी एल्स, और कोई शेयर करना चाहेगा, क्या आपको ओपन अप हुआ, क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है? लिसनिंग फ्रॉम ओपन विल, और लिसनिंग उसको बोलते जनरेटिव लिसनिंग, जनरेटिव लिसनिंग। और आप सबको रिक्वेस्ट है, मैं सनी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फिर से आप ये अगले बार जो है ना, अगले गुरुवार को हम क्या करेंगे, अगले गुरुवार को हम क्रिएट करेंगे कि हमारे तीन शत्रु कौन है सुनने में, हमारे सुनने में, लिसनिंग में हमारे तीन एनिमीज कौन से हैं, और वो हम क्रिएट करेंगे अगले गुरुवार को। अब आपको इस बार तो आपको ये मिल गया लिंक, तो आपको लिंक मिलना चाहिए करके आपने क्या करना है कि स्ट्रेस फ्री इंडिया का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन होते हो तो आपको वो लिंक मिल जाएगी। लिंक मेरे ख्याल से सनी आप यही रखते हैं कि अलग अलग रखते हैं हर बार, सनी वो तो हर बार लिंक है,
समझो गलती से आपको लिंक नहीं मिली तो आपने यही लिंक पे आने का है, 9:25 को आप लॉग इन कर डालो 9:25 को, और हम देखेंगे कि हमारे सुनने में 3 एनिमीज कौन से, 3 एनिमीज जो हमको लोगों को सुनने नहीं देते। एक 4 तरह से हम सुनते हैं, लेवल 1 तो हमारा तो बाप दादा ने हमको दिया हुआ है, वंश परंपरा आया हुआ है लेवल 1 का लिसनिंग डाउनलोडिंग, हम तो सिखाया गया है वहीं से सुनो डाउनलोडिंग करो। लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 हमको अभी आत्मसात करना है, हमारे इसमें लाना है लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4। लेवल 4 का लिसनिंग आप करते तो आप भगवान के रूप हो जाएंगे, आप तो है ही वैसे, मगर वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि हम जाते हैं गड्ढे में, बार बार गड्ढे में जाके गिरते हैं। कौन सा गड्ढा है? डाउनलोडिंग का, पूर्वग्रह दूषित वाला गड्ढा, कि लोगों को सुनना है ओपिनियंस जजमेंट पास्ट वहां से सुनना है, अरे क्या करेगा, अरे ये क्या संभव है, अरे ये होता ही नहीं इससे, ये तो ऐसी चे, ये तो वैसी चे, ये ऐसा करना चाहिए मगर ये ऐसा क्यों नहीं करता, अरे उसने वैसा करना चाहिए मगर वो वैसा क्यों नहीं करता, ये तो ऐसे ही करता है, ये हरदम ऐसा करता है, ये इसके लिए संभव ही नहीं, ये तो ऐसा करेगा ही नहीं, मेरी पत्नी तो ऐसी है, मेरा पति तो ऐसा है, मेरा भाई तो ऐसा है, मेरा बच्चा तो ऐसे ही है, ऐसे इसमें नया कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी नया नहीं हो सकता, इमर्जिंग फ्यूचर हो ही नहीं सकता, फ्यूचर वहां इमर्ज होगा नहीं। तो अगले गुरुवार को मिलने वाले हैं, उसके पहले कोई शेयरिंग लेता हूं कि आपको क्या समझ में आया, नंदिनी में आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं कि आपको इसमें से क्या दिखाई दिया, क्या ओपन हुआ, व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड। मुझे तो सबसे अच्छा यही लगता है कि यानी लिसनिंग, पहले सुनो सामने की भावना क्या क्या बोल रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझा, क्योंकि हम सामने कुछ बोलते हैं हम कुछ और सुनते हैं, तो समझो लिसनिंग, उनके दुनिया में जाके देखो कि क्या क्यों बोल रहे हैं, क्या भावनाओं को समझो, तो ये सबसे बड़ा तरीके है। गुड, तो भी आपको प्रैक्टिस करनी है ओपन दिल से सुनना ये हफ्ते में, तो पहले उसके पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ओपन हार्ट से सुनना, मतलब दिल से सुनना, लोगों के दिल को दिल लगा के सुनना, ओपन हार्ट, ओपन माइंड से सुनना, खुले दिमाग से सुनना, एक तो खुले दिल से सुनना, दूसरा खुले दिमाग से सुनना, खुला दिल मतलब सहसंवेदना, उसको जैसा लगता है वैसा ही मुझे लग रहा है, एग्जैक्टली खुला मन मतलब नया डेटा क्या आ रहा है, नई इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है वहां से सुनना, क्या नया बता रहा है, अच्छा क्या नया है इसमें, वहां से सुनना है उनके दृष्टिकोण से। हाँ, उनके दृष्टिकोण से मोर ऑफ ओपन हार्ट हो गया है ना, हृदय। चौथा है ओपन विल, ओपन विल मतलब यहाँ से फ्यूचर कैसा इमर्ज हो रहा है, फ्यूचर में क्या कर सकता है व्यक्ति, फ्यूचर में इसके लिए क्या संभव है ना, तो फ्यूचर में क्या कर सकता है वहां से सुनना है, ये व्यक्ति फ्यूचर में क्या बन सकता है, ये व्यक्ति फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसके लिए फ्यूचर में क्या संभव है, तो हमारा पूरा ख्याल कहाँ है, पूरा दिमाग मेरा सामने वाले के ऊपर, मैं मेरे यहां से बाहर आ रहा हूँ और मेरा ख्याल सामने वाले के ऊपर है, मैं अंदर नहीं घुस रहा हूँ, यहाँ सामने वाले के ऊपर, आउट है, आउट हियर, इन हियर नहीं, इन हियर नहीं, आउट हियर, ठीक है। किशोर जी बोलिए। सर आज से मैंने ये सीखा कि अपने को हियरिंग नहीं करना है, लिसनिंग करना है, और जो लास्ट स्टेज है कि ओपन विल, तो आपने जो पहले उदाहरण दिया था ना कि आपके घर लोग आया और क्लीन और नीट एरिया करना है, तो मैं भी वहां रहता था तो वैसे ही सुनता था कि वर्ग निकले आए, लेकिन मुझे ये अभी सुनना है कि अपना अगर एरिया क्लीन हो जाएगा नीट हो जाएगा तो अपना एरिया हेल्दी बन जाएगा, तो मेरा भारत भी पूरा हेल्दी हो जाएगा, वहां से सुनना है सर, और वही सुनना है, वो बोलते हैं समझो आगे बोलते हैं कि हमको हमारा एरिया नीट और क्लीन करना है, तो सुनना हाँ। क्या है, यस ये लोगों को अपना एरिया नीट और क्लीन करना है, ठीक है, तो ये यहाँ से फ्यूचर क्या पॉसिबल है, यदि हमारा एरिया नीट और क्लीन हुआ तो क्या पॉसिबल है, ये लोग तो बोल रहे कि हमारा एरिया नीट और क्लीन करना है, चलो क्या संभव है, उन्होंने तो आपको चंदा मांगा नहीं, उन्होंने मेरे को चंदा मांगा नहीं, उन्होंने चंदे की बात भी नहीं किया, मैं क्या सुन रहा हूँ, अरे बाप रे कितना पैसा देना पड़ेगा, कुछ पैसा मांगने के लिए आए गए,
तो मुझे ये सुनना है कि अगर अपना एरिया क्लीन हो जाएगा तो मेरा गांव क्लीन हो जाएगा, मेरा गांव क्लीन हो जाएगा तो मेरा राज्य, ऐसा फ्यूचर इमर्ज करना है मुझे। या स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। यस, हु एल्स, और कोई? तो इसमें ये ओपन विल में क्या करना है, और आइडेंटिटी और अपना ईगो बाजू में रखना पड़ेगा, और वो भी बहुत कठिन बात होती है। ईगो को बाजू में रखना है, मैं मेरे से ऐसी कैसी बात कर रहा है, मैं तो बहुत तोपचंद हूँ, ये तो ऐसा चिल्लर आदमी है, ऐसा कैसा बात कर रहा है, फिर ये तो हरदम ऐसे ही करता है, ये तो वैसे ही करता है, मैं वाला जो है वो बाजू में रखना पड़ेगा। यदि आप मैं बाजू में रखते हैं, मतलब ईगो और आइडेंटिटी अपनी मीपना को यदि बाजू में रखेंगे तो ही ओपन विल संभव है, क्योंकि आपका ख्याल जब ईगो ईगो आइडेंटिटी मैं मेरा, इसका मतलब आप अंदर घुसे, आपके दिमाग में अंदर है, आप बाहर नहीं हो। और जिंदगी कहाँ हो रही है किशोर जी? जिंदगी कहाँ हो रही है? जिंदगी बाहर है ना? जिंदगी कहाँ हो रही है किशोर जी? जिंदगी बाहर है, जिंदगी बाहर है, आजू बाजू सामने है, आप मेरे सामने है, तो जिंदगी कहाँ हो रही है? यहाँ 128 लोग है, जिंदगी यहाँ हो रही है, सामने हो रही है जिंदगी, तो मैं मेरे दिमाग में घुस क्या फायदा है? जिंदगी यहाँ हो रही है, उनके साथ में रहूंगा, आपके साथ में रहूंगा, क्या आप बोल रहे है ना? अभी आपके बोलने से हो गया कि नहीं, अभी आप ऐसा सुनेंगे कि जो बोल रहे हैं कि नीट और क्लीन एरिया हमको करना है, ऐसा सुनेंगे, और 129 लोग अभी जो है वो भी ऐसे सुनना चालू करेंगे कि जो सामने वाला बोल रहा है ना वही सुनना है और फ्यूचर से सुनना है, तो क्या संभव है बाप, नया भारत बन जाए और सचमुच सचमुच लोग स्ट्रेस फ्री जीवन जिएंगे, तनाव मुक्त भारत अभियान, ये सचमुच संभव है। और आपको रिक्वेस्ट है कि ये 128 लोग है, सबको रिक्वेस्ट ये है कि आप कम से कम सभी लोगों, मतलब कम से कम एक व्यक्ति तो आप ला सकते हैं, अगले बार हर व्यक्ति एक व्यक्ति को ला सकता है, तो ईच वन रीच वन। आप क्या करो, गुरुवार को जैसे ही आपको लिंक आ जाएंगी तो आपने आपके स्टेटस के ऊपर रखो, आपके फेसबुक के ऊपर डालो, आपके व्हाट्सएप में डालो, आपके ग्रुप्स में डालो ये लिंक, आपको जहां जहां ऐसा लगता है कि नहीं ये लोगों को फायदे का होगा, आपके लाइफ के लोगों को फायदे का है, तो उनको वह लिंक भेजो, ताकि वो भी लोग ज्वाइन हो जाएंगे, उनको भी समझ में आएगा। और मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो मूवमेंट है स्ट्रेस फ्री इंडिया की मूवमेंट, इसमें आपका हाथ बाहर लग जाए, हाथ लग जाए, नहीं चलो ये इंडिया की मूवमेंट है और इसमें हम स्ट्रेस फ्री इंडिया की मूवमेंट, क्योंकि आप लोगों को बोल रहे कि भैया आ जाओ, और आप ये करते इस तरह का लोगों को सुनना चालू करते, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, रिश्ते अच्छे होते तो स्ट्रेस कहाँ है फिर? स्ट्रेस हमें इसलिए कि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, ये प्रॉब्लम है। यस, लास्ट 4 मिनट बचे, किसको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सयाजी राव, आपको बोलना था, जब हाथ ऊपर था आपको बोलना है तो बोल सकते, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सयाजी राव देशमुख। यस सर, सयाजी राव देशमुख स्पीकिंग सर। यस बोलो सर। मला तर ऍक्च्युली 4 हे पाहिजे, मी थोडं माझे हे माझं कनेक्टिव्हिटी कमी जास्त होती, थोडक्यात सांगाल सर? हा, अभी तो 4 मिनिट बचे आहे। अभी होस्ट कोण आहे सर? नाही, होस्ट कोण हो गया, ये सब होस्ट है, कोई तो होस्ट लैपटॉप है सर, तुमका लैपटॉप है, लैपटॉप होस्ट है, लैपटॉप लैपटॉप। अच्छा अच्छा, नहीं मेरा लैपटॉप तो, अच्छा हाँ, एक पहला है डाउनलोडिंग, तो भी डाउनलोडिंग है पहला, डाउनलोडिंग लेवल 1, लेवल 2 है ओपन हार्ट, लेवल 3 है ओपन माइंड, लेवल 4 है ओपन विल। ओपन विल, पहला है डाउनलोडिंग, ओपन हार्ट, ओपन माइंड, ओपन विल, चौथा है ओपन विल। ओके सर, तो ओपन विल में रहना अपने ज्यादा ज्यादा है ना, रहते हम डाउनलोडिंग में ज्यादा से ज्यादा, रहते हम डाउनलोडिंग में है ना, रहते हम। अभी इसकी प्रैक्टिस करना है, ओपन हार्ट से सुनना कैसे, ओपन माइंड से सुनना कैसे, ओपन विल सुनना कैसे, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
है ना, ये प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि लोग लोगों को सुनना चालू करेंगे, आप लोगों को सुनना चालू करेंगे, आपकी रिलेशनशिप ऐसी हो जाए, आपके घर में देखो आप रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। यस, लास्ट रितु अग्रवाल, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। यस रितु अग्रवाल आपका। सर मेरा खाली एक ही सवाल है कि लिसनिंग सब लेवल्स पे अच्छी बात है, बट एवरी डे आप सुन तो नहीं सकते, मतलब कितने लोगों को सुन सकते हो? आई मीन देयर शुड बी सम प्रायोरिटी ना, कोई स्टेक होल्डर्स को सुनना है या एक पर्टिकुलर पर्सन है उसको सुनना है, या डिफरेंट लेवल पे सुनने का बात समझ में आता है, बट कितने लोगों को आप सुन सकते हो? मैं अब जितने लोगों को भी आप सुन रहे हैं उनको ओपन विल से सुनना चालू करो, ओपन हार्ट से पहले, ओपन माइंड से पहले। पहले ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, हमारी प्रैक्टिस कौन सी है? डाउनलोडिंग। वो आदमी जो भी आप कहाँ रहते हो, कहाँ से आप? कोलकाता से, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से है ना, आपके घर में आप मैरिड है ना, मैरिड है ना आप, आपके हस्बैंड क्या बोलने वाले है, उन्होंने मुंह खोलने के पहले आपको मालूम है वो क्या बोलने वाले। तो ये तो सर बचपन से सिखाया जाता है, इस पे तो मास्टरी है। मास्टरी है, वही तो बोल रहा ना मैं, है ना। तभी वो क्या बोलने वाले है, तो वो जो बोल रहे है वो सुनना चालू करो पहले, कि वो एक्चुअली क्या बोल रहे है ना। समझो उन्होंने बोला कि रितु आपने है ना सब्जी जो है उसमें थोड़ा नमक कम है, वो क्या बोल रहे है कि रितु आपने सब्जी बनाई उसमें नमक कम है, आप क्या सुनने वाले हैं? ये तो हरदम ही मेरी गलतियां निकालते रहते हैं। अरे उन्होंने कहां बोला ये? उन्होंने बोला कि आपने जो सब्जी बनाई उसमें थोड़ा नमक कम है, इतने बोला उन्होंने। तो वो नहीं आप सुनते कि नमक कम है, आप क्या सुनते? ये तो हरदम ही मेरी गलतियां निकालते रहते। उन तो बोला ही नहीं कि मैं आपकी गलती निकाल रहा हूं, होता कि नहीं ऐसा? कि वो एक बोल रहे हैं और आप दो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं मेरे को नागपुर जाना है, आप बोल रहे हैं मेरे को मुंबई जाना है, मतलब ऐसा आप सुन रहे कि मुंबई जाना है। अरे उन्होंने बोला ही नहीं, वो बोल रहे नागपुर जाना है, क्या है मेरे को? आप सुन रहे हैं इनको मुंबई जाना है, वो तो बोल ही नहीं रहे। तो जो भी लोगों का आप सुनते हैं वो डाउनलोडिंग से ना सुनते हुए पहले अभी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओपन हार्ट ओपन माइंड, और वो करते करते फिर ओपन विल से करेंगे। और अगले हफ्ते में हम देखेंगे कि तीन एनिमीज कौन से हमारे, तीन दुश्मन सुनने में, उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। तो हम अगले हफ्ते मिलते हैं गुरुवार को। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको रिक्वेस्ट है कि आपको जैसे लिंक मिल जाएंगे आप सभी आपके ग्रुप्स में शेयर करो। ऐसा होना चाहिए कि ये जो जूम है ये कम पड़ेगा और लोग ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, ऐसी स्थिति आना चाहिए। लोग बोले हम ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि लिंक ये पूरे हो गए, जूम पूरी हो गई है। तथास्तु, हमने वैसे ही सुना सर, बिल्कुल। यस थैंक यू, आपने जैसे बोला वैसे ही सुना हमने। और वैसे मत सुनो, सच्ची 500 की हो जाएंगी, नहीं 1000 की हो जाएंगी। यस सर, ये सुनो कि नहीं, आपको तो जूम लिंक जो है ना वो बड़ा प्लान लेना पड़ेगा, 500 का प्लान शायद कम पड़ेगा। यस यस, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू।